मिनट वेट करो, इसमें कुछ स्क्रीन पे कुछ आ रहा है, उसको मैनेज करते हैं। और तो जो टेस्ट देख रहे थे वो क्या था? सोडियम मीटर टेस्ट। और ये टेस्ट किस लिए होता था? एसिडिक हाइड्रोजन को पता करने के लिए कि किसी कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं। तो इसी को क्या बोल देता हूँ, एक्टिव हाइड्रोजन। और मैंने एक रिएक्शन भी लिखा होगा यहाँ पे है ROH, और इसका रिएक्शन जब किसी सोडियम मेटल के साथ होता है ये क्या बना रहा था प्रोडक्ट, RO-Na+, आयनिक बॉन्ड O- और Na+, और क्या बन रहा था, H2, हाफ मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा था यहाँ पे, ऐसा कुछ रिएक्शन आ रहा था पिछले क्लास में। अब एक पॉइंट ये भी हम लोगों ने लिखा होगा कि कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, इसलिए पॉइंट था थ्योरेटिकल वे में कैसे पता चलेगा कि कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। तो जो हाइड्रोजन की मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, किसी भी हाइड्रोजन से कनेक्टेड हो, या फिर sp कार्बन से कनेक्टेड हो, या फिर एक्टिव मिथाइलिन हो, ऐसा कुछ मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ उसके क्लास में लिखा था, उसमें दोबारा यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ। बट ये ध्यान रखना है कि कोई भी हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या sp कार्बन से अगर कनेक्टेड है या एक्टिव मिथाइलिन, देखते हैं एग्जाम्पल अभी हम सबका एक एक करके देखेंगे वो क्या रहेगा एसिडिक नेचर। तो पॉइंट यहाँ पे ये था कि अगर हाफ मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, अगर यहाँ पर अगर हाफ मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है उसमें कितना एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उस कंपाउंड में, 1 एसिडिक हाइड्रोजन, ये याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि जब एक एसिडिक हाइड्रोजन होगा तभी हाफ मोल H2 गैस रिलीज हो पाएगा यहाँ पे। अब इसे एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, मान लो कोई भी आ रहा है यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड OH, इस कंपाउंड का नेम क्या है anyone? CH3 सी डबल बॉन्ड OH का इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड बिल्कुल करेक्ट है। कॉमन नेम क्या होगा? इथेनोइक एसिड सही है। कॉमन नेम क्या होता है इसका, कुछ याद हो? एसिटिक एसिड बिल्कुल करेक्ट है। ये बेसिक नेम जो वो याद होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें ऐसा नहीं कि एग्जाम पे जो पेपर आएगा तुम्हारा उसमें स्ट्रक्चर ही ड्रॉप क्या रहा, हो सकता है बेसिक नेम दे दिया जाए तो पता होना चाहिए सब लोगों को। अब देखना कि यहाँ पे, अब इसको अगर थ्योरेटिकल वे में पता करना कि ये जो हाइड्रोजन वो एसिडिक है या नहीं है, तो ये हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से। तो जो हाइड्रोजन की नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या सल्फर या sp कार्बन कनेक्टेड होगा तो वही क्या रहता है एसिडिक नेचर का, यहाँ पे जो H होगा। और अगर ऑक्सीजन कनेक्टेड है चार आ रही है, किस फॉर्म में बाहर जाएगा, ये H+ के फॉर्म में, और ये फाइनली क्या पोर्ट बनाएगा यहाँ पे, CH3 सी डबल बॉन्ड O-, जैसे ऊपर मैंने पिछले क्लास में देखते भी बताया था O- Na+, और यहाँ भी क्या हो, एक ही एसिडिक हाइड्रोजन आ रहा है यहाँ पे, तो हाफ मोल हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर इस टाइप का आ रहा है यहाँ पे, CH3 CH2 OH, इसका रिएक्शन सोडियम के साथ हो रहा है, मैं सोचना कि पोर्ट क्या बनेगा यहाँ पर। तो सिंपली अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कनेक्टेड है तो H+ के फॉर्म में बाहर जाता है, O- Na+। और मैंने पिछले क्लास में मैक्सिमम बताया था कि मेटल है, सोडियम मेटल है, उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा इलेक्ट्रॉन लूज करने का, और जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है वो H+ को रिलीज करता है, बाकी मिक्सर पता है और इसमें डायरेक्ट पोर्ट बनाना क्या रहेगा। नेक्स्ट है इसमें CH3 CH2 सी ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका भी रिएक्शन Na के साथ हो रहा हो, तो इस दोनों को देख लेते हैं फिर आगे यहाँ पे देखेंगे और भी एग्जांपल। यहाँ पे देखने कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन कनेक्टेड है, दैट मींस एसिडिक हाइड्रोजन, ये थ्योरेटिकल तरीका यहाँ पे, बट यहाँ पे ये कंपाउंड दे दिया गया। अब इसमें चेक करेंगे, बोला जाए एक्सपेरिमेंटल वे में इसमें पता करना है कि एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं, इस कंपाउंड्स का रिएक्शन किसके साथ करा दोगे,
सोडियम मेटल के साथ, और जैसे सोडियम मेटल का रिएक्शन इसके साथ होगा, अगर वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, हम लोग समझ पाएंगे कि वो क्या होगा, उसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन होगा वहां पर, एक या जो भी रहेगा, तो किसका अमाउंट तो हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, हाफ मून जा रहा है एक मून बाहर जा रहा है। अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है इस केस में, वहां पे क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, और फाइनली क्या बनता है प्रोडक्ट इसमें, CH3CH2 सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, फिर का केस है ओ माइनस एन ए प्लस, और ये क्या आता है इसमें यहाँ पे हाफ एच टू। बाकी देखो जिनका भी माइक कभी भी म्यूट नहीं तो म्यूट करके रखना है वहां पर, जब कुछ क्वेश्चन पूछना उस टाइम फिर वहां पे नॉन म्यूट करके पूछना है। CH3CH2C CH। अब यहाँ पे देखना है कि जो हाइड्रोजन है, जो sp कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन होता है, वही एसिडिक होता है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये बताओ, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ये क्या आ जाता है तुम्हारा, sp3 इस कार्बन का क्या रहेगा, sp2 या sp3? sp2 नहीं, ये भी sp3 होगा, ये sp3, ये भी sp3, क्योंकि ये भी कार्बन तो 4 सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड है, इसमें एक भी sp2 नहीं है, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा sp, तो 4 सिग्मा बॉन्ड आ गया, दैट मींस sp3। अब ये जो देखना है, ये जो हाइड्रोजन आ रहा है वो किससे कनेक्टेड है, sp3 कार्बन से, और ये जो लास्ट का जो हाइड्रोजन वो किससे कनेक्टेड है, सभी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp, दो सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड, तो ये जो हाइड्रोजन आ रहा है वो किससे कनेक्टेड है, sp कार्बन से, दैट मींस ये भी एसिडिक नेचर का होता है, और ये भी जब इसके साथ रिएक्ट करता है यहाँ पे है, ये क्या बनाएगा, CH3CH2C CCC। और फिर सेम लॉजिक, यहाँ पर क्या था, H+ बाहर गया, यहाँ पे देखना किस तरीके से, ये CH है, तो बोल रहा हूँ यहाँ पे ये जो CH बॉन्ड बना होगा, ये कैसे बना होगा, यहाँ पे है इसका भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, और यहाँ पे ये H+ के फॉर्म में बाहर जाता है, और H+ के फॉर्म में एक H+ के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन पे भी आ रहा होगा, इसका तो इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी कार्बन के पास आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा आ रहा है किसी एटम के पास, वहां पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, तो ये बिल्कुल नेगेटिव चार्ज, और ये Na+ सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा Na+, और H+ और मेटल का जो एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया है वही दोनों आपस में कंबाइंड होकर के H2 बना लेता है, दैट मींस हाफ H2। इस एरो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे है गैसियस फॉर्म में रिएक्शन से बाहर जा रहा है, यहाँ पे देखना रहेगा कि जब एक्टिव हाइड्रोजन होगा तभी ये सोडियम मेटल इसके साथ ऐड कर पाएगा, जो कि एसपी कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन है। यहाँ पे यहाँ तक कॉपी भी करते जाओ, यहाँ पे है और भी एग्जांपल है इसमें, यहाँ पे कुछ इस टाइप का एग्जांपल है, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, इसको ध्यान से देखोगे यहाँ पर। अब इसमें एक वर्ड मैंने पिछले लेक्चर में लिखाया होगा, जो सेंटेंस लिखे थे उसमें, कि एक्टिव मिथाइलिन, यहाँ पर जो दोनों सी डबल बॉन्ड ओ के बीच का ये CH2 होता है यहाँ पे, इसको क्या बोलता है, एक्टिव मिथाइलिन, अब एक्टिव मिथाइलिन जो आ रहा है यहाँ पे, इसका जो एक हाइड्रोजन होता है, जब एक्टिव मिथाइलिन ले लिया इसका, इसको यहाँ पे बोलते क्या है, ये जो हाइड्रोजन होगा वो भी एसिडिक नेचर का होगा, एक्टिव हाइड्रोजन होगा, और वो भी सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर पाता है, और आफ्टर रिएक्शन वो क्या बनाता है, CH3 C डबल बॉन्ड ओ। यहाँ से भी क्या होगा, इस कार्बन का एक H+ बाहर जा रहा, और जब इस कार्बन का एक H+ बाहर जाएगा, इस कार्बन पे चार्ज कौन सा आएगा, सोचो खुद से,
कहीं भी नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ, एच प्लस के फॉर्म में बाहर जा रहा है। यहाँ पे सोचना था कि सर ये सी एच बाकी जो भी है एक एच है यहाँ पे, और जब भी बोला जाए कि एच प्लस के फॉर्म में बाहर जाए, ये तो एच प्लस के फॉर्म में बाहर चला गया, इसका भी जो एक इलेक्ट्रॉन था ये कार्बन पे आ जाएगा, क्योंकि एच प्लस के फॉर्म में बाहर जाने का मतलब है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन छोड़ करके बाहर जा रहा है, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, कार्बन के पास। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, सी डबल बॉन्ड हो सी एच थ्री, और यहीं पे जो नेगेटिव चार्ज है यहीं पे एन ए प्लस भी आ जाएगा। ये कौन सा बॉन्ड है नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है इस टाइप से, जैसे कि पढ़े होंगे एन ए प्लस और सी एल माइनस, आयोनिक, सही है बिल्कुल, वो कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड, जैसे कि एन ए सी एल है, कैटेन ए नाइन, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड। बाकी ये चीजें हम लोगों को पढ़ना है, बट आई थिंक इतना आइडिया होना चाहिए सब लोगों को कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन उसका, डिटेल में नहीं, डिटेल में तो लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, पहले से डिटेल में पता है तो और अच्छी बात है, बट बेसिक आइडिया होना चाहिए उसका, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और यहाँ से भी एच प्लस बाहर जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ से भी हाफ मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। क्लियर है इस केस में, एक स्पेशल केस था कि दो सी डबल बॉन्ड ओ के बीच का जो कार्बन होता है और इसमें जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है वो भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है, एक्टिव हाइड्रोजन होता है, और इसका मोर एक्सप्लेनेशन वो देखेंगे आगे जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ऑर्गेनिक का, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको अभी याद रखना यहाँ पे कि दो सी डबल बॉन्ड ओ के बीच का जो सी एच टू है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव मिथाइल, और इसका हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है, वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर पाता है। ये जो चैप्टर है थोड़ा सा इसमें याद रखने वाले चीजें रहेगा यहाँ पे पीओसी में, तो यहाँ तक कॉपी कर लो पहले, फिर और भी एग्जांपल देखते हैं इसमें। कर ले कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक। यस सर, यस सर, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। अब इसी में नेक्स्ट एग्जांपल, PHOH, और इसका रीजन सोडियम मेटल के साथ कर दिया जाए। इस कंपाउंड का नेम क्या, अगर ऐसा कहीं पे लिखा रहे PHOH, इसका नेम क्या होगा, फिनॉल, 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 सही है बिल्कुल। इसका मीनिंग क्या, पीएच का मतलब क्या होता है, फिनाइल रिंग, दैट मींस बेंजीन रिंग, और उससे ये ओएच कनेक्टेड है, ये क्या हो जाएगा, फिनॉल, इसी को शॉर्ट में इस तरीके से भी लिखा जाता है, ये क्या यहाँ पे है, फिनॉल, ये तो नेम आ गया। यहाँ पर भी देखना है कि हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से, दैट मींस ये हाइड्रोजन भी कैसा होगा, एसिडिक हाइड्रोजन, प्रोडक्ट क्या बनता है यहाँ पे, पी एच ओ माइनस एन ए प्लस और हाफ एच टू, एक ही एसिडिक हाइड्रोजन हाफ एच टू। नेक्स्ट एग्जांपल सी एच थ्री, एच डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ओ एच, इस कंपाउंड का नेम क्या है, तो बता सकते हम लोग क्लास में कर चुके हैं, बॉन्ड के फॉर्म में लिख दिया है, तीन ऑप्शन और एक हाइड्रोजन आ रहा है, इसका नेम क्या यहाँ पे है, मीथेन सल्फोनिक एसिड,
जो भी है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है तुम्हारा, ऑक्सीजन से, दैट मींस ये भी एसिडिक हाइड्रोजन। ये प्रोड क्या बनाएगा यहाँ पे, CH3 एस डबल बॉन्ड दो, डबल बॉन्ड दो, ओ माइनस एन ए प्लस प्लस हाफ एच टू। तो जो भी मैंने स्टेटमेंट लिखा था पिछले लेक्चर में कि हाइड्रोजन अगर sp कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन या सल्फर से कनेक्टेड हो, वो क्या रहेगा, एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन। अभी क्वेश्चन अगर इस टाइप से रैंडम सा पूछा जाए तुमसे, सी डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे OH आ जाए, सी ट्रिपल बॉन्ड CH, अब इसमें पूछा जाए यहाँ पे कि हाइड्रोजन गैस का कितना मोल रिलीज होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 गैस रिलीज। जब इसका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ होगा, सोचो इसमें, देखना यहाँ पे। तो मैं कैसा क्वेश्चन अगर आता था सोचोगे, तो यहाँ पे देखना था जब एक एसिडिक हाइड्रोजन था इसमें कितना मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा था, हाफ मोल, किसी भी एग्जांपल में देखो। तो जब एक एसिडिक हाइड्रोजन था हाफ मोल, यहाँ पे कितना एसिडिक हाइड्रोजन है उसको मल्टीप्लाई कर देना है वहां पर, अब बताओ सोचिए क्या रहेगा, सही बिल्कुल, वो क्या रहेगा, 3/2 और जब यहाँ पे तीन एसिडिक हाइड्रोजन आ रहा है यहाँ पे, अब कैसे पता चलेगा कि एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से, ये हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है यहाँ पर भी, ऑक्सीजन से, और ये जो हाइड्रोजन है वो sp कार्बन से कनेक्टेड है, ये भी एसिडिक नहीं चलता। तो जब तीन एसिडिक हाइड्रोजन होगा और इसका रिएक्शन जब सोडियम मेटल के साथ होगा, यहाँ से क्या होगा, आप इसी में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मींस 3/2, दैट मींस 1.5 मोल H2 गैस रिलीज होता है यहाँ पर, क्लियर है। जब ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए उसमें सिंपली चेक करना है कि नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन कितना परसेंट है, अगर एक एसिडिक हाइड्रोजन होता था उसमें हाफ मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, उसे जितना भी एसिडिक हाइड्रोजन उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको कॉपी कर लेना, फिर नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसमें। ये जो हम लोग टेस्ट देख रहे थे, टेस्ट फॉर एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन, एक बेसिक सा एग्जांपल और है। मान लो कि HCl के साथ तुम्हारा रिएक्शन कर रहा है, HCl आ रहा है और इसका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ हो रहा है, ये क्या बनाएगा प्रोडक्ट, सोच के देखो, आसान सा है। यहाँ पर भी H किससे कनेक्टेड है, हैलोजन से, क्लोरीन से, बिल्कुल सही। ये क्या बनता है, HCl, HCl कैसे ब्रेक होता है, H प्लस और Cl माइनस, तो Cl माइनस और मेटल जो आ रहा है Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन बाहर करता है, वो NaCl, Na प्लस और Cl माइनस, और एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ पे, दैट मींस हाफ मोल H2 गैस रिलीज हो गया, क्लियर है। ये भी यहाँ पे जो हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है, हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन अगर किसी भी हाइड्रोजन से कनेक्टेड हो वो क्या रहेगा, एसिडिक नेचर का। और एक एग्जांपल में और ले लेता हूँ, यहाँ पे है CH3SH, अगर हाइड्रोजन सल्फर से भी कनेक्टेड तो वो भी एसिडिक नेचर का होगा। पिछले लेक्चर को वो पॉइंट रीड करो कि एसिडिक हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन कौन सा था, उसमें देखो सल्फर भी आ रहा होगा, अगर हाइड्रोजन सल्फर से भी कनेक्टेड है वो भी एसिडिक नेचर का रहेगा सल्फर। इस कंपाउंड का नेम क्या है, कोई बता सको,
आईपीएससी नेम इसका CH3SH का मीथेन थायोल। सही है बिल्कुल, ये क्या रहेगा मीथेन थायोल, SH है वो थायोल, ये सब लोगों को पता होना चाहिए इसमें। क्लियर है ये कि जो भी बेसिक नेम है, सर एक और बड़ा स्ट्रक्चर है, जो भी बेसिक नोमेनक्लेचर वो सब लोगों को पता हो। अब इसका रिएक्शन भी जब सोडियम मेटल के साथ होगा तो इसके पास भी एक एसिडिक हाइड्रोजन है, थ्योरेटिकल कैसे पता चलेगा कि सर एसिडिक हाइड्रोजन है तो सल्फर से कनेक्टेड है, मैंने पॉइंट लिखा रखा है। और एक्सपेरिमेंटली कैसे पता चलता है कि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं और उसमें अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है तो थ्योरेटिकली पता चल पाता है कि उसमें एसिडिक हाइड्रोजन है प्लस हाफ एच टू। एग्जाम्पल नोट कर लेना होगा। कॉपी कर ली सबको यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक आगे बढ़ते हैं। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया हम देख रहे थे फर्स्ट पीओसी का फर्स्ट पार्ट, टेस्ट फॉर एसिडिक और एक्टिव हाइड्रोजन, कि किसी कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है उसको पता करना है। तो एक्सपेरिमेंटल वे में कैसे पता करते हैं, तो सबका रिएक्शन करा दो सोडियम मेटल के साथ। अब जिसका जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं और उसमें से अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है वो पता कर पाएंगे, उसे समझ पाएंगे उसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है उस कंपाउंड में। नेक्स्ट टेस्ट है इसमें टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अब यहाँ पे पता करना है कि टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन से क्या पता करता है कि कौन सा कंपाउंड सैचुरेटेड है और कौन सा कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। और अनसेचुरेटेड का मीनिंग क्या है, अल्केन एंड अल्काइन, दैट मींस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। फर्स्ट टेस्ट है इसमें यहाँ पे ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, तो शॉर्ट में लिख के लोगे ब्रैकेट में Br2 water, bromine water test। अब देखने की जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट होगा देख लो यहाँ पे ध्यान से, उसके बाद जो भी डॉट रहेगा कुछ होगा इसमें यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे मेमोराइज करने वाला थोड़ा पार्ट है, क्योंकि ये सारी चीज जितना भी वो पीओसी में पढ़ रहा है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये फिर से 12th में पढ़ना है मेरे को डिटेल में। ऐसा नहीं कि पहले पीओसी यहाँ पे आ गया रिएक्शन वगैरह फिर नहीं आएगा, ये सारा कुछ आएगा 12th में डिटेल में। अब यहाँ पे अगर हम लोग अल्किन के साथ रिएक्शन कराते हैं, सॉरी कोई भी अल्केन है, पहले CH3 CH2 CH3 है, कोई भी अल्केन और रेंडम सा यहाँ पे, इधर अगर आर एड कर दो यहाँ पे CH2, इधर कोई आर हो, ये अगर कोई भी अल्केन आ रहा हो और इसका रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करता है यहाँ पे, ये कोई भी रिएक्शन नहीं करता यहाँ पे, नो रिएक्शन। बट जब इसी ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन अगर किसी अल्काइन के साथ किया जाता है, अल्किन एंड अल्काइन के साथ ब्रोमीन वाटर, या फिर कोई अल्काइन हो यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन भी ब्रोमीन वाटर, या इसको लिक्विड ब्रोमीन भी बोला जाता है, ब्रोमीन वाटर या लिक्विड ब्रोमीन। इसका जब रिएक्शन होता है यहाँ पे अल्किन या अल्काइन के साथ, ये इसके साथ रिएक्ट कर पाता है, क्योंकि इसमें भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और इसमें भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अब का रिएक्शन इसमें जो बॉन्ड बनता है यहाँ पे RCH BR, और ये क्या बनाता है RCH BR, और ये CH2 का यहाँ पे, यहाँ से पाई बॉन्ड हट जाता है
और दो बी आर बी आर टू है तो 5 हटने के बाद ये बी आर और बी आर एड हो जाता है। जैसा कि हम पढ़े थे कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन में, कुछ याद हो एच टू एन आई वहां पे 5 बॉन्ड के लॉन्ग एच और एच आकर के एड हो जाता है। यहाँ पे जब बी आर टू है ये बी आर और बी आर एड हो गया। इसमें दो दो पाई बॉन्ड है और जब दो दो पाई बॉन्ड है यहाँ पे है तो जब एक पाई बॉन्ड हटेगा तो बी आर और बी आर आकर के एड होगा यहाँ पे है। दूसरा पाई बॉन्ड हटेगा तो फिर से एक बी आर और बी आर आकर के एड होगा। यहाँ पे अंडरस्टूड होता है कि दो मॉलिक्यूल्स ऑफ बी आर टू होता है। अब देखना है, अब एक क्वेश्चन आता है सर रिएक्शन तो हो गया, अब पता कैसे चलेगा यहाँ पे है, ये जो भी वाटर टेस्ट कराते हैं यहाँ पे कि अल्किन अल्काइन के साथ रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जो ब्रोमीन वाटर होता है ये कलर शो करता है यहाँ पे और इसका जो कलर होता है रेड ब्राउन कलर का होता है। इसका कलर क्या होता है यहाँ पे रेड ब्राउन ब्रोमीन वाटर का। और जैसे रेड ब्राउन कलर जो ब्रोमीन वाटर का होता है तो आफ्टर रिएक्शन ये जो कलर होता है यहाँ पे ये डिसअपीयर हो जाता है। रेड ब्राउन कलर डिसअपीयर। और इसमें भी क्या रहेगा सेम पॉइंट नोट करना, रेड ब्राउन कलर डिसअपीयर। इसको कॉपी करो, इसको समझते भी हम लोग यहाँ पे। अब मैं एक बार रिपीट कर दूं पहले, तो जो ब्रोमीन वाटर का कलर होता है वो क्या होता है रेड ब्राउन, ध्यान से सुनोगे। और यही जो रेड ब्राउन कलर है जब अल्केन के साथ इसका कोई रिएक्शन ही नहीं होता है तो ब्रोमीन वाटर का जो कलर है रेड ब्राउन वो एज इट इज रह जाता है। जबकि अल्किन एंड अल्काइन, ये क्या है अल्किन एंड अल्काइन, अल्किन का रिएक्शन जब ब्रोमीन वाटर के साथ होता है अफ्टर ये रिएक्ट कर जाता है यहाँ पर, अफ्टर रिएक्शन इस टाइप का कुछ प्रोडक्ट बनाता है और जैसे ये रिएक्ट किया कुछ नया प्रोडक्ट बना तो जो रेड ब्राउन कलर था ब्रोमीन वाटर का वो कलर डिसअपीयर हो जाता है, वो कलर गायब हो जाता है ब्रोमीन वाटर का। दैट मीन वो समझ पाएंगे कि जब कलर डिसअपीयर हो गया तो कहीं ना कहीं वो अल्किन और अल्काइन में से ही कोई एक होगा। अब वो अल्किन और अल्काइन में से कौन सा ये पता नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों तो कैसा है अनसेचुरेटेड और ये सेचुरेटेड है। ये टेस्ट किसके लिए होता है अनसेचुरेटेड कंपाउंड के लिए। यहाँ पे अगर सेचुरेटेड कंपाउंड को अनसेचुरेट कंपाउंड से डिस्टिंग्विश करना है तो वहां पे कौन सा टेस्ट करा लेते हैं हम, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, क्योंकि ये अल्किन और अल्काइन के साथ तो रिएक्ट करता है। दैट मीन्स ये जो कलर होता है ब्रोमीन वाटर का वो डिसअपीयर हो जाता है यहाँ पर, जो कलर क्या था रेड ब्राउन। और जैसे डिसअपीयर हो गया तो हम समझ पाएंगे तो कौन सा कंपाउंड ऑफ अल्किन एंड अल्काइन में से कोई होगा। नोट करो यहाँ पे एक बार, मैं फिर से एक्सप्लेन करके फिर टॉपिक पे आते हैं। इसी में यहाँ पे कुछ भी रटना नहीं है, प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतना याद रखना है कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट से लोग किसको टेस्ट करता है तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड को, क्योंकि सेचुरेटेड कंपाउंड दैट मीन्स अल्केन के साथ इसका कोई रिएक्शन ही नहीं होता है। और जब अनसेचुरेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्शन होता है इसका जो एक्चुअल में कलर होता है वो कलर डिसअपीयर हो जाता है। और जैसे कलर डिसअपीयर हुआ तो वो समझ पाएंगे वो अल्किन या अल्काइन में से एक कोई एक होगा। अब ये एक नोट लिखना था, बेंजीन डज नॉट गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट, वाइल फिनॉल एंड एनिलीन गिव दिस टेस्ट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। इसमें एक्सप्लेन करता हूँ नोट, पहले वहां तक नोट कर लो। हेलो हाँ बताओ किस डॉट। हेलो
डॉट है तो यहाँ पे बता सकते हो, बाकी अगर कहीं कुछ और कर रहे हो तो माइक को म्यूट रखना है। सर देयर इज वन क्वेश्चन। हाँ बताओ। बताओ क्या डाउट है इसमें। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो बाकी और भी कहीं पे कुछ कर रहा हो, बात कर रहा हो मोबाइल पे, तो उस टाइम माइक को म्यूट करके जो कुछ करना है। यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा था कि बेंजीन डज नॉट गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट व्हाइल फिनॉल और एनिलीन, तो फिनॉल तो अभी हम देख रहे थे, एनिलीन क्या होता है कुछ याद हो? एनिलीन NH3। नहीं, बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप था? NH2, नॉट NH2 कनेक्टेड टू बेंजीन। बिल्कुल सही है, अगर NH2 कनेक्टेड है तो क्या बोलते हैं? एनिलीन। और जब बेंजीन के ऊपर OH हो तो फिनॉल। एक एक्सेप्शनल पॉइंट है कि जो अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे है बेंजीन, इसमें भी पाई बॉन्ड है, ये भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, फिर भी ये बेंजीन जो होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता है, बट इसमें जब NH2 या OH जैसा ग्रुप कनेक्ट हो जाता है वो फिर ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे पाता है। इसका एक्सप्लेनेशन भी वो आगे देखेंगे ऐसा क्यों होता है। इसको सिंपली अभी एक नोट में एज एक्सेप्शन याद रखना है कि बेंजीन ये टेस्ट नहीं देता जबकि फिनॉल और एनिलीन ये टेस्ट दे पाता है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएगा, ये एक्सेप्शनल पॉइंट में तो मैंने पूछेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन भी यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा, तुम्हें अल्केन दिया गया, अल्किन दिया गया, अल्काइन दिया गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। उसमें पूछा कि कौन सा कंपाउंड ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा, जिसमें तुम्हें अल्किन और अल्काइन आ रहा है उसको टिक करना है कंपाउंड को देख करके। जैसे मुझे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच, क्लियर है यहाँ तक? क्या है? यस सर। चलो ठीक है। यस सर। ये लोग देख रहे थे ब्रोमीन वाटर टेस्ट, और ये टेस्ट किस लिए था? अनसैचुरेटेड कंपाउंड को पता करने के लिए। नेक्स्ट टेस्ट है इसमें बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। अनसैचुरेशन को टेस्ट करने के लिए पहला टेस्ट है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, और सेकंड होता है इसमें बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक। यस सर। यस सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है इसमें बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। बेयर्स रिएजेंट टेस्ट और इसमें चेक करना है कि बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, तो सबसे पहले देखना है कि बेयर्स रिएजेंट होता है क्या। यहाँ पे जो बेयर्स रिएजेंट होता है यहाँ पे उसको बोलते हैं कोल्ड डाइल्यूट, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन केमेनो को, अल्कलाइन केमेनो को। केमेनो फोर का नेम क्या होता है? एनीवन कुछ याद हो पहले पढ़े हो केमेनो फोर का नेम? पोटेशियम पर मैग्नेट। सही है सर, नो का करेक्ट है बिल्कुल। वो क्या होता है? पोटेशियम पर मैग्नेट। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है अल्कलाइन, अल्कलाइन का मतलब क्या होता है? कौन सा मीडियम है वो, एसिडिक या बेसिक? एसिडिक। बेसिक। बेसिक। अल्कलाइन का मतलब क्या होता है? वो बेसिक मीडियम को बोला जा रहा है। और डाइल्यूट, इसी को यहाँ पे लैंग्वेज में लिख रहे थे कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन के मतलब को क्या बोलता है? बेयर्स रिएजेंट, या वहां पे स्टेशन लिखा रह सकता है OH- H2O और KMNO4। इसका भी सेम मीनिंग है यहाँ पर। वाटर का मतलब क्या? वो डाइल्यूट है, और OH का मतलब क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? बेसिक को, अल्कलाइन मीडियम को।
और कोल्ड वाटर दैट भी एक कोल्ड कंडीशन ले रहे हैं पे। तो एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है तुम लोगों में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैस रिएजेंट, गैस रिएजेंट कौन सा है। तो याद रखना है कि OH माइनस वाटर और केमनों को जब एक साथ आ रहा हो तो क्या बोलता हूँ, गैस रिएजेंट। जैसे को लैंग्वेज में दिया रहा है कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन केमनों को। अब इसका रिएक्शन देखना है, ये भी जब आ जाए आर सी एच टू सी एच थ्री, इसका रिएक्शन करा दिया जाए यहाँ पे OH माइनस वाटर के मनो को, कौन सा रिएजेंट आ रहा, गैस रिएजेंट। अब इसका रिएक्शन अगर अल्किन के साथ भी हो OH माइनस एच टू ओ के मनो को, या फिर अल्काइन भी आ रहा है यहाँ पर OH माइनस, या सिंपली बेयर सेंट लिख ही दिया जाए यहाँ पर। इस टाइप से लिखा रहे हैं, सिंपली बेयर सेंट दिया रहा है यहाँ पर, जिसको समझना है कि क्या है OH माइनस वाटर केमनों को बेयर सेंट तो ही है। अब यहाँ पे देखना है कि जो बेयर रिएजेंट होता है यहाँ पे OH माइनस वाटर और केमनों को, इसका जो एक्चुअल में कलर होता है इस सॉल्यूशन का, ये पर्पल कलर का होता है यहाँ पे। ये क्या होता है, पर्पल कलर का। मैं एग्जैक्ट टाइम पे लिख रहा हूँ, इसका भी क्या होगा सेम ही है, ये भी पर्पल कलर और ये भी क्या रहेगा, पर्पल कलर। और जब ये अल्केन के साथ रिएक्शन कराता है यहाँ पे, इसका इसके साथ कोई रिएक्शन ही नहीं होता है, नो रिएक्शन। लेकिन जब अल्किन और अल्काइन के साथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये रिएक्ट करता है और अक्सर रिएक्शन कुछ इस टाइप का कोड बनाता है यहाँ पे आर सी एच ओ एच सी एच टू आर सी। अब एक पाई बॉन्ड था तो एक ओ एच ओ एच आ रहा है, एक पाई बॉन्ड हटा तो यहाँ पे दो दो पाई बॉन्ड है, यहाँ पे ओ एच ओ एच ओ एच और ओ एच, इस टाइप से बनता है यहाँ पे। बट एक पॉइंट ये भी देखना है इस केस में कि एक ही कार्बन पे अगर दो OH ग्रुप होता है, ये अनस्टेबल सा होता है। इसमें क्या होता है यहाँ पे है, एक OH और एक यहाँ का H वाटर बन के बाहर चला जाता है इस केस में। इस कार्बन का भी एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये OH यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, OH बाहर चला गया और H के साथ। और इस ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी एक बॉन्ड आ जाता है यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड हो। यहाँ पे एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप अनस्टेबल होता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाता है, यहाँ पर भी सेम लॉजिक, बेसिकली दो वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा यहाँ से और ये क्या बन जाता है, सी डबल बॉन्ड ओ। यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इतना मैं बता रहा हूँ, बस उतना ही याद रखना यहाँ पे, ये प्रोडक्ट कैसे बनता है आगे का पार्ट है। अभी जो हम लोगों को देखना है, इसमें देखने की जैसे रिएक्शन होता है यहाँ पे अल्किन का गैस रिएजेंट के साथ, ये जो पर्पल कलर आ रहा था यहाँ पे गैस रिएजेंट का, ये कलर क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है, पर्पल कलर डिसअपीयर। और जब ये पर्पल कलर डिसअपीयर हो जाएगा यहाँ पे, हम लोग समझ पाएंगे वो किसके साथ रिएक्ट क्या होगा गैस रिएजेंट, जिससे कि ये कलर डिसअपीयर हो गया, अल्किन के साथ या अल्काइन के साथ। इसमें भी सेम लॉजिक, इसमें भी क्या होगा यहाँ पे कि जो पर्पल कलर आ रहा है इसका यहाँ पे बेयर सीएन का कलर, वो कलर क्या होता है यहाँ पे डिसअपीयर, पर्पल कलर डिसअपीयर। हाँ मानस कुछ पूछ रहे, बताओ इसमें क्या डाउट। स्टेबिलिटी जो स्टेबिलिटी रहती है वो कैसे डिटरमाइन करें, वो स्टूडेंट को आगे पढ़ेंगे वो सारा चीज़, इसलिए मैंने यहाँ पे रिपीट भी कर दिया, मुझे पता था तुम लोगों को यहाँ पे दिक्कत होगा, उसके वो बात ही नहीं कर रहे यहाँ पर लोग। तो हम लोग सारा कुछ डिटेल में देखेंगे आगे, स्टूडेंट कैसे आता है, ये प्रोडक्ट कैसे बन रहा है एक्चुअल में, इसका प्रॉपर मैकेनिज्म होता है कि कैसे कैसे बनता है। बट हम उस पार्ट का भी नहीं जा रहे, रिएक्शन वाले पार्ट पर नहीं जा रहे, हम लोग का जो फोकस है वो पी ओ सी पे सिर्फ है। होता है तो टेस्ट सिर्फ का पता करना है कि कौन सा कंपाउंड सेचुरेटेड है और कौन सा कंपाउंड अनसेचुरेटेड है। जब मेरे पास अगर सेचुरेटेड कंपाउंड भी है
और अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी है, दोनों को पता करना है कि कौन सा सैचुरेटेड है, उसका रिएक्शन किसके साथ कर दोगे, बेयर सीडेंट के साथ, और जब बेयर सीडेंट के साथ करोगे उसमें तो अल्केन के साथ सैचुरेटेड कंपाउंड के साथ उसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता, और जब कोई रिएक्शन नहीं होगा इसका जो कलर था एक्चुअल में पर्पल कलर वो एज इट इज रह जाएगा, जबकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा उसमें कुछ नया प्रोडक्ट बनाता है और आफ्टर रिएक्शन वो कलर क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो गया, और वो कलर अगर गायब हो जाता है पर्पल कलर, हम लोग समझ पाएंगे ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ ही बेयर सीडेंट रिएक्ट किया है। क्लियर है यहाँ तक? मैंने इसके पीओसी वाले पार्ट में फोकस करना है, तो कैसे पता करते हैं कि वो सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, कंपाउंड का जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसे बना है उसके में बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है पीओसी। कर ले, कॉपी कर लिया था सब लोग, ये साथ में कॉपी करते जाते, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं आ रहा है, इसमें बस इसका कलर इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जितना भी मैं पीओसी आगे पढ़ेंगे सबका कलर इम्पोर्टेंट है, कलर क्या कह रहा था सर, इसमें सिर्फ कलर याद रखना है क्या? बिल्कुल, सिर्फ कलर याद रखना, कलर याद रखना है, और वो कलर किसके लिए आता है, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं भी याद है, इतना पता होना चाहिए कि बेयर सीडेंट किसके साथ रिएक्ट करता है, अल्केन के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है, और अल्किन और अल्काइन के साथ जब रिएक्ट करता है कुछ प्रोडक्ट बनाता है, और जब प्रोडक्ट बना रहा है कुछ नया प्रोडक्ट बन रहा है रिएक्ट कर रहा है, दैट मींस वो अपना कलर चेंज कर पाता है बेयर सीडेंट। ये दो चीज कलर याद रखना है, और ये बेयर सीडेंट किसके साथ रिएक्ट करता है, ओनली अल्किन एंड अल्काइन के साथ रिएक्ट कर पाएगा। यहाँ पे है इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि चार ऑप्शन है, पूछा जाएगा कि बेयर सीडेंट किसके किसके साथ रिएक्ट करता है, तो जिसके पास भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा उसके साथ रिएक्ट कर पाता बेयर सीडेंट। तो ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ तक कॉपी भी कर लियोगे सब लोग, कॉपी कर लोगे नहीं किए तो नेक्स्ट है इसमें। तो अनसैचुरेशन चेक करने के लिए दो ही टेस्ट है, एक तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट और दूसरा क्या था इसमें, बेयर सीडेंट टेस्ट। नेक्स्ट है इसमें टेस्ट फॉर टर्मिनल अल्काइन, टेस्ट फॉर टर्मिनल अल्काइन। अब इन्हें कि टर्मिनल और इंटरनल अल्काइन, इसको पहले समझ लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद इसको देखते हैं आगे। तो टर्मिनल और इंटरनल अल्काइन में क्या डिफरेंस है, तो CH3 और एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है फर्स्ट एग्जांपल में, ये बिल्कुल बीच में आ रहा है, इधर भी कार्बन कार्बन तो है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, इसके अलावा इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ जो ट्रिपल बॉन्ड है जो अल्काइन है ये बीच में आ रहा है, इसको मैं बोलता हूँ इंटरनल अल्काइन, इंटरनल अल्काइन। और यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है ये बिल्कुल एंड पॉइंट पे है, इसके राइट साइड में कोई कार्बन चेन नहीं है, यहाँ पे इसमें कार्बन इधर तो है बट इस साइड कोई कार्बन चेन नहीं है, जो ट्रिपल बॉन्डेड है अल्काइन है वो कहाँ पे आ रहा है, एंड पॉइंट पे आ रहा है, टर्मिनल अल्काइन इसको बोलते हैं, ये क्या रहा है टर्मिनल अल्काइन। क्लियर है यहाँ पे है? तो इंटरनल अल्काइन और टर्मिनल अल्काइन में पता करना है, तो ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन अगर ये एंड पॉइंट पे आ रहा हो, ये टर्मिनल अल्काइन, और दोनों साइड कार्बन चेन और भी इधर भी कार्बन चेन उधर भी कार्बन चेन है,
ये क्या है इंटरनल, और भी कुछ आधा स्टेप्स है, ये किस टाइप का अल्काइन होगा, टर्मिनल या इंटरनल, तो सोच के बताओ। इंटरनल बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि टर्मिनल कब होगा, जब ट्रिपल बॉन्ड बिल्कुल लास्ट में आएगा, दैट मीन्स इसके बाद किसी भी एक साइड देखिए यहाँ पे इस टाइप का आ जाता है HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 CH3, ये अब किस टाइप का आ जाए यहाँ पे टर्मिनल, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड एंड पॉइंट पे आ रहा है, इसके बाद जब कोई कार्बन चेन नहीं है, ये टर्मिनल और ये इसमें क्या आ रहा था यहाँ पे बीच में आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, दोनों साइड कार्बन चेन है, दैट मीन्स ये इंटरनल और ये भी इंटरनल, और ये दोनों क्या रहेगा तुम्हारा टर्मिनल। ये तो क्लियर हो गया पहले कि कौन सा अल्काइन को टर्मिनल बोलते हैं और किसको इंटरनल। ये जो टेस्ट है वो किस लिए टेस्ट करते हैं, ये तो मुझे थ्योरेटिकल पता चल गया, एक्सपेरिमेंटल भी क्या है, एक्सपेरिमेंटली कैसे पता करें कि कौन सा टर्मिनल अल्काइन और कौन सा इंटरनल है। तो मेनली वो टर्मिनल अल्काइन के लिए टेस्ट होता है यहाँ पर, कि टर्मिनल अल्काइन है या नहीं, तो उसके लिए टेस्ट है। तो फर्स्ट टेस्ट है इसमें टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, देखो इसमें नया नया वर्ड आ रहा है जिसको ध्यान से देखते जाना, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। अब जो टॉलेंस रिएजेंट होता है उसको इसको बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट, तो AgNO3 प्लस NH4OH के मिक्सर को ही क्या बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट के ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है AgNO3 प्लस NH4OH, इसी को क्या बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। इसका नेम क्या कोई बता सकता हो, AgNO3 का नेम क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। सही बिल्कुल, ये क्या होता है सिल्वर नाइट्रेट। NH4OH का नेम क्या होता है, NH4OH का नेम अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ये सिल्वर नाइट्रेट। बाकी जिन लोगों को नेम नहीं भी पता थी ये चीज अभी हम लोग आगे पढ़ने वाला है, ऐसा नहीं कि जिनको नहीं पता थी फिर हम लोग पढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल पढ़ेंगे ये आगे इस कंपाउंड का, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग कैसे करता है। तुम लोगों को कुछ कोर्स माना टाइप से मिला है क्या बताओ, इसमें कुछ कौन सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाना, फिजिक्स में कौन सा, मैथ्स में कौन कौन सा? सर नो सर, ऐसा कुछ नहीं मिला है तुम लोगों को। उसमें जो हम लोगों को पढ़ना रहेगा इनऑर्गेनिक में एक चैप्टर आता है बीन करके, बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर। तो अभी जो हम लोगों ने ऑर्गेनिक में पढ़ा था वो ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर था, आईपीएसएल नोमेनक्लेचर में पढ़ा था, उसी तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आता है बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर। तो जब हम इनऑर्गेनिक स्टार्ट करें तो वहां पे ये चीजें आ जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग आगे, तो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट क्या करते हैं, टर्मिनल अल्काइन को पता करते हैं। अब यहाँ पे कोई एग्जाम्पल आ जाए, अब जो टर्मिनल अल्काइन होता है इसका जो एंड कार्बन है यहाँ पे, और इससे जो कनेक्टेड एच होता है वो किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का। यहाँ पे जो बोलना है सर ये हाइड्रोजन एसपी कार्बन से कनेक्टेड है, और एसपी कार्बन से जो कनेक्टेड हाइड्रोजन होता है वो किस नेचर का होगा, एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक नेचर, जो बोलो एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन दोनों बोल सकते हो। यहाँ पे जो होता है कोई भी एग्जांपल में ले हूं, यहाँ पे CH3 CH2 सी ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन जब AgNO3 NH4OH के साथ होता है यहाँ पे, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का आता है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C Ag, मेनली ये प्रोडक्ट बन जाता है यहाँ पे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बात करें यहाँ पे CAG, इसलिए यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो आयनिक नेचर का आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव पीरियड दिखा भी सकते हो या अंडरस्टूड रहता है, जैसे कि NaCl है, तो NaCl में हम लोग कुछ ऐसा दिखाते नहीं है यहाँ पे कि Na+ या सिंपली NaCl लिखते हैं, यहाँ पर वैसा ही कुछ रहता है
कार्बन और एजी के बीच में क्या रहा था, आयनिक बॉन्ड रहेगा सी माइनस एजी प्लस वन टच हो रहा है। अब जैसे ये प्रोडक्ट बना यहाँ पे, ये एक पीपीटी के फॉर्म में रहता है, सॉलिड स्टेट में आ जाता है यहाँ पे, और इसका जो कलर होता है ये व्हाइट पीपीटी बनाता है। और जैसे ये व्हाइट पीपीटी बन रहा है यहाँ पे, हम लोग समझ पाएंगे ये क्या रहा होगा, इस केस में टर्मिनल अल्काइन ही रहा होगा, तभी ये टॉलेंस एजेंट के साथ रिएक्शन के बाद व्हाइट पीपीटी बनाता है, जबकि इंटरनल अल्काइन के साथ उसका कोई रिएक्शन ही नहीं होता है। और जब कोई रिएक्शन ही नहीं होगा उसके साथ कोई भी पीपीटी वगैरह नहीं बनाएगा, वो एजेटिक जिस भी स्टेट में ये रहेगा उसी स्टेट में रह जाएगा वो। और गैसियस में तो गैसियस में रहेगा, लिक्विड में तो लिक्विड में रहेगा, तो सॉलिड में नहीं आ पाता, पीपीटी नहीं बन पाता वहां पर। जबकि अगर टर्मिनल अल्काइन है उसका रिएक्शन टॉलेंस एजेंट के साथ करा रहे हैं तो एक व्हाइट पीपीटी बनाता है, और जैसे ये व्हाइट पीपीटी बन गया हम लोग समझ पाएंगे ये टर्मिनल अल्काइन ही रहा होगा। क्लियर है यहाँ पे है, इसमें जो कलर होता है वो याद रखना था व्हाइट पीपीटी। रिपीट चलो मैं रिपीट करता हूँ अभी यहाँ पे है। इसमें बेसिक लॉजिक यहाँ पे ये है, ये जो टेस्ट भी होता है ये रिएक्ट क्यों कर पाता है, तो रिएक्ट इसीलिए करता है क्योंकि ये एच जो होता है यहाँ पे है। अब ऐसे सोचो यहाँ पे NH4OH तो ठीक है बेसिक मीडियम को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे है। जो मैंने पीछे एक रिएक्शन देखा था उसको कुछ मैं अगर याद दिलाऊं तो मैं CH2 ये कैसा हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन, और AgNO3 का नेम सबको बता रहे थे सिल्वर नाइट्रेट, ये कैसे ब्रेक होता है Ag प्लस और NO3 माइनस। यहाँ पे जो H एसिडिक हाइड्रोजन किस फॉर्म में बाहर जाता है, H प्लस के फॉर्म में, और जैसे ये H प्लस के फॉर्म में बाहर गया ये C माइनस और H प्लस, ये सिंपली क्या होगा आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाता, तो ये C माइनस और Ag प्लस ये बन जाता तुम्हारा CAg, और NO3 माइनस और H प्लस HNO3 बन जाता यहाँ पे। बट HNO3 कैसा प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक। अब ये कैसे पता चलता है, इसका मैंने बताया था स्टार्टिंग लेक्चर में जब पीओसी से पहले ही, इसमें कोई भी कार्बन नहीं है, और कोई कार्बन नहीं है दैट मीन्स इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक होगा दैट मीन्स कार्बन होगा उसमें। यहाँ पे मेनली हम लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या बनता है उस पर फोकस कर रहा होता है यहाँ पे, तो ये रिएक्शन में सी माइनस और एजी तो बन गया। अब यहाँ पे सोचना होता है कि जो इंटरनल अल्काइन है, इंटरनल अल्काइन इसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता क्योंकि इसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, जबकि टर्मिनल अल्काइन के पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, और वो टॉलेंस एजेंट के साथ जब रिएक्ट करेगा ये व्हाइट पीपीटी बना पाता है। जैसे व्हाइट पीपीटी बन गया आफ्टर रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट, वो समझ पाएंगे वो कौन सा अल्काइन रहा होगा, टर्मिनल अल्काइन रहा होगा। क्लियर है यहाँ पे सब लोगों को? Yes, sir. तो ठीक आगे देखते हैं। यहाँ पे रिएक्शन हमको बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, बस टेस्ट पीओसी का पार्टी है, तो कैसे पता करते हैं कि ये इंटरनल अल्काइन या टर्मिनल, कुछ लिए टेस्ट का एक टेस्ट और भी है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट और ये टेस्ट भी किसके लिए है, टेस्ट फॉर टर्मिनल अल्काइन में ही दो टेस्ट है, पहला था टॉलेंस रिएजेंट और दूसरा है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट। तो कॉपी भी करो यहां तक। अब यहां पे देखना है कि जो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड है ये होता क्या है, देखिए हम लोगों को एक क्वेश्चन पूछा जाए तुम लोगों को कि टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, इसमें क्या बताना है AgNO3 प्लस NH4OH के ही सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट। अब यहाँ पे आ रहा है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, ये क्या होता है यहाँ पे Cu2Cl2 प्लस NH4OH, इसी के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। अब इसमें भी क्या होता है यहाँ पे है,
ये भी क्या रहेगा, कोई भी एक एग्जांपल ले सकते थे CH3 और इधर यहाँ पे लेकर ट्रिपल बॉन्ड CH और इसका रिएक्शन जब CO2 प्लस NH4OH इस चैप्टर में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि सिर्फ हम लोग को यहाँ पे रिएक्शन एक्सप्लेन नहीं करना है, रिएक्शन को नहीं समझना है, सिर्फ उसका कलर वगैरह याद रखना रहता है और कौन सा कंपाउंड कौन सा टेस्ट देता है, बस ये यहाँ पे मेमोराइज करना रहेगा। यहाँ पर भी क्या है, इसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है टर्मिनल अल्काइन के पास, यहाँ पर भी ये रिएक्ट कर पाता है और अब तक रिएक्शन ये क्या बनाता है CH2C ट्रिपल बॉन्ड CU नेगेटिव पॉजिटिव दिखा सकते हो इस टाइप से, यहाँ पे ये अंडरस्टूड होता है यहाँ पे कि कार्बन नॉन मेटल और ये मेटल आयनिक बॉन्ड बन रहा होगा यहाँ पे। अब जैसे ये कलर ये कंपाउंड बन जाता है, ये कलर शो करता है, ये किस कलर का PPT बनता है, रेड PPT, और जैसे ये रेड PPT बन गया हम लोग समझ पाएंगे कि अमोनिकल कुप्रस क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट करने के बाद ये रेड PPT बना रहा है, ओनली टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन इंटरनल अल्काइन के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं होगा उसका, और टर्मिनल अल्काइन के साथ क्यों रिएक्ट कर पा रहा है, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जबकि इंटरनल अल्काइन के पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता। तो टॉलेंस रिएक्ट जब रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, व्हाइट PPT फाइनल प्रोडक्ट में, और इसमें फाइनल प्रोडक्ट में क्या बनाता है, रेड PPT। इधर यहाँ तक ये है सर। तो ठीक है, ये आ रहा था हमारा टर्मिनल अल्काइन के लिए टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट है इसमें टेस्ट फॉर अल्कोहल। अभी तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे अल्किन और अल्काइन की बात कर रहे थे मेनली अभी तक। अब नेक्स्ट जितना भी फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एसिड, सबके लिए अलग अलग टेस्ट है, वो टेस्ट देखने फंक्शनल ग्रुप के लिए। देखो क्वेश्चन क्या रहेगा तुम्हारा, एक क्वेश्चन में यहाँ पे नोट नहीं करना, बस इसको समझ लोगे, यहाँ पे कुछ इस टाइप का आ रहा है, यहाँ पे ये ऑप्शन है, बी आ रहा है तुम्हारा इसमें, यहाँ पे क्वेश्चन में बताता हूँ क्या करना है इसमें, यहाँ पे सी ऑप्शन कुछ इस तरीके का है और डी ऑप्शन यहाँ पे इस तरीके का आ रहा है। इसमें तुमसे पूछा जाए इस चारों कंपाउंड में से टॉलरेंस रिएक्शन टेस्ट कौन सा देगा ABCD में, चेक करके बता। सी सी देखो करेक्ट, बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे, कि जो भी टर्मिनल अल्काइन है वो टॉलरेंस रिएक्शन टेस्ट दे पाएगा, ये अमोनिकल कुप्रस क्लोराइड टेस्ट। ये क्या रहा है, अल्काइन तो ये भी है बट ये इंटरनल ये टेस्ट नहीं देगा और अल्किन तो ये टेस्ट देता ही नहीं है, आंसर क्या था इसका सी। क्लियर है यहाँ पे है, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करने की जरूरत नहीं, बस मैं क्वेश्चन किस टाइप से आएगा वो बता रहा था। या ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि टॉलरेंस रिएजेंट किसके साथ रिएक्ट करने के बाद व्हाइट PPT दे पाएगा, वो क्या रहेगा सी, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। या यही चार ऑप्शन है कि अमोनिकल कुप्रस क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट करने के बाद रेड PPT बनाएगा, वो आंसर क्या रहता है सी, तो किसी के पास टर्मिनल अल्काइन नहीं है। अच्छा यहाँ पे तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वो यहाँ पे जिस भी टाइप का क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट है इसमें टेस्ट फॉर अल्कोहल। टेस्ट फॉर अल्कोहल और ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यहाँ से, टेस्ट फॉर अल्कोहल।
अल्कोहल के लिए फर्स्ट टेस्ट है इसमें। लुकास रिएजेंट टेस्ट, LUKAS, लुकास रिएजेंट टेस्ट। अब जो देखते हैं कि लुकास रिएजेंट होता है वो होता है क्या है, लुकास रिएजेंट ध्यान से देखोगे सब बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। जो लुकास रिएजेंट होता है इसको बोलते हैं लोग कंसंट्रेटेड फाउंड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 इसी के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं लुकास रिएजेंट। एक क्वेश्चन तो तुम्हारा यहीं से बन जाता है कि लुकास रिएजेंट क्या होता है, ये भी बेसिक क्वेश्चन आ सकता है मेंस वगैरह का जब पेपर हो तुम्हारा। तो कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को ये क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। ये क्लियर हो। अब देखते हैं यहाँ पे जब अलग अलग अल्कोहल हो, यहाँ पर ध्यान से देखना है इसको, CH3CH2 CH2OH, इसका रिएक्शन कराया जाए यहाँ पे कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। नेक्स्ट हो इसमें यहाँ पे CH3CH CH3OH, अब इसका रिएक्शन भी कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस। कंसंट्रेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है, पढ़ चुके होगे तुम लोग, कंसंट्रेटेड फॉर्म तो है मतलब वो कंसंट्रेटेड है, लेकिन वो उसमें वाटर कम है वहां पे, सैचुरेटेड। सही है बिल्कुल, वो वाटर कम होता है, वाटर का कंटेंट क्या डाइल्यूट नहीं है, दो टर्म आता है डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। तो डाइल्यूट मतलब वो बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है, वो वाटर वहां पे बहुत ज्यादा मिक्स किया गया है। और कंसंट्रेटेड HCl का मतलब क्या है, HCl का कंसंट्रेशन ज्यादा है। अभी पढ़ोगे तुम्हें पढ़ाया जाएगा तुम लोगों को, एक टर्म आता है मोलरिटी। तो मोलरिटी जो होता है, जो कंसंट्रेशन होता है वो सोल्यूशन का ज्यादा होता है, उसको क्या बोलते हैं कंसंट्रेटेड। सिंपली याद रखना कि यहाँ पे वाटर का कंटेंट कम है यहाँ पर। तो कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, वाटर नहीं है वहां पर भी, एनहाइड्रस मतलब सूखा, मतलब वाटर कंटेंट नहीं है वहां पर, एनहाइड्रस ZnCl2। और एक लास्ट इस नॉर्मल लिख देता हूँ यहाँ पे CH3OH, इसका रिएक्शन कंसंट्रेटेड HCl के साथ हो और एनहाइड्रस ZnCl2। अब देखना यहाँ पे कि जो लुकास रिएजेंट टेस्ट होता है, इस टेस्ट से लोग करते क्या, यहाँ पे अल्कोहल के तो टेस्ट होता है, इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप का अल्कोहल है, एग्जाम्पल जो मैंने लिया हुआ है इसको अगर ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो आ रहा है CH3CH2OH, कितने डिग्री का अल्कोहल है ये, 1 डिग्री अल्कोहल, ये क्या होगा 1 डिग्री अल्कोहल। अब अल्कोहल का डिग्री मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में 3rd या 4th लेक्चर में जब भी तुम्हारा ये लेक्चर शुरू हुआ था ऑर्गेनिक का वहां पे देखे थे। तो जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है उस कार्बन का डिग्री चेक कर लेना है, इस कार्बन का, इस कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन कनेक्टेड है, दैट मींस ये 1 डिग्री कार्बन, और 1 डिग्री कार्बन से अटैच OH को क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है यहाँ पे है, ये क्या होगा 2 डिग्री अल्कोहल, और ये क्या है तुम्हारा 3 डिग्री अल्कोहल। अब देखना ध्यान से यहाँ पे, जब तीनों अल्कोहल के साथ इसका रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, टेस्ट कैसे करते हैं कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शियरी। तो आफ्टर रिएक्शन इसमें जो प्रोडक्ट बनता है तुम्हारा
CH3, CH2, यहाँ पे जो OH होता है वो रिप्लेस हो जाता है Cl से, ये Cl आ जाए, कैसे आता तो वो यहाँ पे नहीं सोचना है। CH3, CH, बस याद रखना कि यहाँ का भी जो OH है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, Cl से, Cl, और यहाँ पे जो CH3, और ये जो OH आ रहा है ये भी किससे रिप्लेस हो जाएगा, Cl से। अब देखना यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट बना यहाँ पे, तो अगर कोई टर्शियरी अल्कोहल होगा उसका रिएक्शन इसके साथ करा रहे होंगे, इसमें ये जैसे प्रोडक्ट बनता है तब यूज करते हैं गिब्स टर्बिडिटी, गिब्स टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस इमीडिएटली, इमीडिएटली। जबकि जो तुम्हारा सेकेंडरी अल्कोहल है गिब्स टर्बिडिटी, गिब्स टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस, देखते हैं इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है अभी। क्लाउडीनेस आफ्टर 5 मिनट, आफ्टर 5 मिनट, और जो प्राइमरी अल्कोहल होता है गिब्स टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस, गिब्स टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस आफ्टर 30 मिनट और लॉन्ग टाइम, देखो यहाँ पे जो वर्ड आ रहा था इसमें टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस, तो क्लाउडीनेस का मीनिंग ये है यहाँ पे कि मान लो कभी क्या आ रहा है इसमें कोई प्योर वाटर है किसी बोतल में, वो क्या होगा ट्रांसपेरेंट होगा तुम्हारा, क्लियर है, और अगर वो ट्रांसपेरेंट है उसमें आप कुछ सॉइल डाल दो, कुछ मिट्टी डाल दो उस वाटर बोतल में जो प्योर अभी आ रहा था, उसमें क्या होगा वो ट्रांसपेरेंट नहीं आ जाता है, उसमें कुछ टर्बिडिटी आ जाता है या क्लाउडीनेस, क्लाउडीनेस का मतलब क्या है उसमें कुछ क्लाउड जैसा आ जाएगा वहां पे, अब वो प्योर ट्रांसपेरेंट नहीं आ पाएगा, वो कुछ क्लाउडीनेस जैसा आ जाता है, क्लियर है। तो जब टर्शियरी अल्कोहल होगा उसमें जो क्लाउडीनेस तुम्हें दिखेगा वहां पे फाइनली उस बोतल में जो 3 डिग्री का अल्कोहल है उसमें तुम्हें क्लाउडीनेस इमीडिएटली दिख जाएगा आफ्टर रिएक्शन विथ लुकास रिएजेंट, जबकि 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन कराओगे लुकास रिएजेंट के साथ वो क्या रहेगा तुम्हारा आफ्टर 5 मिनट वो क्लाउडीनेस दिखेगा, और अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा उसका रिएक्शन अगर लुकास रिएजेंट के साथ करा रहे होंगे तो आफ्टर 30 मिनट या आफ्टर लॉन्ग टाइम वो क्लाउडीनेस आ पाता है उसमें, तो जिसके बेसिस पे कि हम लोग पता कर पाते हैं कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है और कौन सा टर्शियरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको एक बार, कि मान लो तुम्हारे पास 3 बीकर है और तीनों बीकर में अलग अलग बीकर में एक में अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है, एक में सेकेंडरी और एक में टर्शियरी अल्कोहल है। तुम्हारा स्कूल का कुछ प्रैक्टिकल चल रहा है उसमें फाइनली यही पूछा जाए कि तुम्हें पता करना कि किस बीकर में प्राइमरी अल्कोहल है, किस में सेकेंडरी अल्कोहल और किस में टर्शियरी अल्कोहल है, तो तीनों बीकर में क्या मिक्स कर देना है तुम्हें लुकास रिएजेंट, और जैसे लुकास रिएजेंट को मिक्स कर दोगे तीनों बीकर में तो जो तुम्हारा टर्शियरी अल्कोहल वाला बीकर होगा वो जैसे लुकास रिएजेंट मिक्स करोगे वो इमीडिएटली क्लाउडीनेस जैसा तुम्हें दिखेगा, प्योर फॉर्म में नहीं दिखेगा, वो ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेगा, जैसे लुकास रिएजेंट मिक्स करोगे वो इमीडिएटली क्लाउडीनेस आ जाएगा उसमें वहां पर, जबकि अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो आफ्टर 5 मिनट तुम्हें क्लाउडीनेस आए दिखेगा, और प्राइमरी अल्कोहल होगा तो आफ्टर 30 मिनट तक तुम्हें वेट करना पड़ेगा, क्लियर है यहाँ पे ये सब लोगों को कि किस तरीके से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं लुकास रिएजेंट पे। अब यहाँ पे तुम लोग ऑनलाइन भी बैठे हुए हैं अभी, खैर ऑफलाइन क्लास भी होता तो सेंटर में प्रैक्टिकल नहीं होता, तुम्हारा स्कूल या कॉलेज जो भी है वहां पर ही प्रैक्टिकल होता ही थी, बट थ्योरेटिकल पता होना चाहिए यहाँ पे कि ये प्रैक्टिकल कैसे करना होता है। इसमें किन्हीं को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, अभी कुछ भी डाउट आ रहा है इसमें
बाकी अगर प्रोडक्ट बनाना हो ये OH को सिंपली रिप्लेस कर दिया जाता है Cl से, जहाँ पर भी OH है उसको Cl से रिप्लेस कर दिया जाता है, HCl का Cl ही आ जाता है। यहाँ तक प्रॉपर नोट डाउन कर लो ये। क्लियर ये टेस्ट, लुकास ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जब भी कोई पेपर होगा तुम्हारा एक टेस्ट तो यहाँ से आएगा ही क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है तुम्हें कि चार ऑप्शन तुम्हें गिवन होगा। देखो एक क्वेश्चन में यहाँ पे रैंडम कर देता हूँ तुम्हें, अब यहाँ पे तुम्हें बताना है कि ए बी सी डी, मान लो ए बी सी डी, इसमें लुकास रिएक्ट फास्टेस्ट किसके साथ रिएक्ट करेगा, किस अल्कोहल के साथ? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, क्लियर है? बिल्कुल, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि लुकास रिएक्ट सबसे फास्टेस्ट किसके साथ रिएक्ट करेगा, जो टर्शियरी अल्कोहल होगा उसके साथ फास्ट रिएक्ट करेगा वो, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन प्राइमरी अल्कोहल, तो आंसर क्या आता है इसका ए। इसके साथ सबसे स्लो रिएक्शन होगा, यही ऑप्शन अगर आता डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आ जाता सबसे स्लो रिएक्शन, तो सबसे स्लो किसके साथ होता है? प्राइमरी अल्कोहल के साथ, ऑप्शन डी आ जाता आंसर। क्लियर है? यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा, या जो बुकलेट में क्वेश्चन होगा इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा वहां पे, या एक क्वेश्चन ये रह सकता है यहाँ पे है कि मान लो तुम्हें ROH है फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में तुम्हें एल्डिहाइड दे दिया गया है, थर्ड ऑप्शन में तुम्हें एसिड दे दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन में H2 ग्रुप दे दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव लुकास रिएक्शन टेस्ट, लुकास रिएक्शन टेस्ट कौन सा देगा इसमें चारों में से? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, जो अल्कोहल है वही लुकास रिएक्शन टेस्ट है, बाकी के लिए लुकास रिएक्शन टेस्ट नहीं होता है, ओनली अल्कोहल गिव लुकास रिएक्शन टेस्ट, अल्कोहल किस में आ रहा है? ROH, अल्कोहल जो रहेगा वही लुकास रिएक्शन टेस्ट दे पाएगा, एसिड एल्डिहाइड एमीन ये सब टेस्ट नहीं देता लुकास। क्लियर है यहाँ तक ये है? अब एक पॉइंट आगे नोट करना है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे है, बट एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कई बार जेई मेन में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, चार ऑप्शन गिवन होता है उसमें पूछा जाता है किसके साथ फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा लुकास रिएजेंट, किसके साथ स्लो होगा, जो टर्शियरी अल्कोहल होता है उसके साथ फास्ट रिएक्ट करता है, और जो प्राइमरी होता है वो स्लो, और जो सेकेंडरी है वो तो बीच में मीडिएटर होगा। कर ली कॉपी कर ली सब लोग यहाँ तक? Yes, sir. तो बस एक नोट लिखना है, इसमें लुकास रिएक्शन टेस्ट का ही पार्ट है वो। और इसमें नोट ये है कि फिनॉल एंड इनॉल do not give Lucas reagent test. Lucas reagent test. जो फिनॉल और इनॉल होता है वो लुकास रिएक्शन टेस्ट नहीं देता है। फिनॉल क्या होता है? पता है कि बेंजीन के ऊपर OH, ये क्या है? फिनॉल। और इनॉल क्या आता है? इनॉल एक जनरल सा टर्म होता है कि कहीं भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे
ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक है, कहीं भी यहाँ पे मैं आर ग्रुप लिख देता हूँ जनरल, अगर आर हो तो कहीं भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे वे चार आओ, उसको वो क्या बोलते हैं इन जनरल इनॉल। तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे वे चाहिए इनॉल, और यहाँ पर भी तो वही है डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही वे है, बट ये बेंजीन का केस है, इसको इनॉल ना बोलते क्या बोल लेते हैं हम लोग इनॉल। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को जनरली, दिखने में तो लगता है यहाँ पर भी OH है और यहाँ पर भी OH है, बट ये एक्चुअल में OH जो आ रहा है ये अल्कोहल नहीं है, इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे फिनॉल ही बोलेंगे, ये अल्कोहल नहीं है, क्या है फिनॉल। अब ये क्यों ऐसा आ रहा है यहाँ पे, ऐसा तो हम पहले पढ़ चुके हैं, एक क्वेश्चन भी तुमको बताओगे यहाँ पे, ये OH आ रहा हो, ये CH3 हो, और इधर फिर यहाँ पे CH2OH हो, तो इस दोनों कंपाउंड में रिलेशन क्या है, कौन सा आइसोमर है ये बताने के लिए आपको फंक्शनल। सही है बिल्कुल फंक्शनल, ये कौन सा आइसोमर आता है फंक्शनल आइसोमर, क्योंकि मैंने वहां पे डिटेल में बता रखा है स्टार लगा करके, यहाँ पे दिखने में लगता है कि दोनों OH है बट ये एक्चुअल में ये फिनॉल है, इसको अल्कोहल नहीं बोलना है, और ये अल्कोहल है, डायरेक्टली बेंजीन से कनेक्टेड नहीं है, ये क्या तुम्हारा अल्कोहल है। तो दोनों का केमिकल रिएक्शन, दोनों का टेस्ट अलग अलग होता है, दैट इन बोथ में कि दोनों अलग अलग फंक्शन होते हैं यहाँ पे, दैट इन रिलेशन क्या पाता है फंक्शनल आइसोमर। क्लियर है यहाँ पे, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिनॉल एंड इनॉल लुकास रिएक्शन टेस्ट नहीं दे पाता। नेक्स्ट टेस्ट है इसमें, और भी टेस्ट एक है इसमें, अल्कोहल का एक टेस्ट और है, बट उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं क्योंकि आज तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो तुम लोगों का जो होमवर्क है, हाँ बताओ। यस सर। तो ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बट एक मिनट, तुम लोगों का जो होमवर्क रहेगा इसमें, क्या होमवर्क कर सकते हो तुम लोग, तुम लोगों का जो होमवर्क रहेगा इसमें, सेक्शन बी तक तो कर लिए थे, एक सेक्शन और कर सकते हो सेक्शन सी, आज जो हम लोग पढ़े हैं उसके बेसिस पे सेक्शन से कंप्लीट कर सकते हो, एक्सरसाइज वन का पार्ट वन पार्ट टू उसका सेक्शन सी, जो कि टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन एंड एसिडिक हाइड्रोजन के लिए दिया गया। तो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको, ये होमवर्क कर लोगे सब लोग, और बाकी नोमेनक्लेचर वाला जो पार्ट है, जब भी टाइम मिलता है तो नोमेनक्लेचर जो पार्ट है IUPAC नोमेनक्लेचर स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, जो पीछे पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करना है, क्योंकि मैं कई बार बोलता हूँ क्लास में कि जो तुम्हारा रिजल्ट आता है जो करंट में चल रहा है वो तो ध्यान देना ही है, तुम पीछे कितना रिवाइज करते हो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो करंट में पढ़ रहे थे उसको तो कुछ पढ़ते रहते हैं उसको करते रहते हैं बट रिविजन पे कभी ध्यान नहीं देते, तो तुम रिवाइज कितना करते हो उस पर तुम्हारा रिजल्ट डिपेंड करता है कि फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है, क्योंकि तुम्हारा पेपर आज से 2 साल के बाद होना है ऑलमोस्ट, तो वहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, जब तुम उसको प्रॉपर रिवाइज नहीं करोगे तो फिर तो भूलना ही है, तो फिर वहाँ पे रिजल्ट मिस हो जाता है, तो रिविजन को भी प्रायोरिटी देना है वहाँ पर, जो भी चीज़ें पीछे हो चुका है और करंट में जो चल रहा है उसको तो करना ही है। चलो ठीक है, मैं अभी आज का सेशन यहीं पे एंड करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं आगे। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।